आसम फॉल का रास्ता है जो नेशनल हाईवे नंबर 33 से हमने लेफ्ट लिया और ये जो है गांव का इलाका है। तो यहाँ भी लगभग हम लोग 3 या 4 साल बाद ही आ रहे हैं, काफ़ी कम आते हैं, हमारे लिए सब लोकल जगह है। लेकिन वो कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, इसलिए लोकल चीज़ों को कौन ज़्यादा ध्यान देता है। सब बाकी जो जगह हैं दूर दूर में, अंडमान तो लद्दाख तो, वो सब घूमने के चक्कर में लोकल पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन अभी हम 4 साल बाद फिर से दसम फॉल पे हैं, जो कांची नदी, कांची नदी जब पहाड़ों से गुजर कर गिरती है तो दसम फॉल का निर्माण होता है। तो दसम फॉल भी झारखंड की जो 4 वाटरफॉल जो मेन है, जैसे दसम, हुंडरू, जोना और हिरनी फॉल, तो उनमें से ये दसम फॉल भी काफ़ी पॉपुलर है। सबसे जो ऊंचा है वो हुंडरू है, लेकिन सेकंड नंबर पर जो है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है दसम फॉल का ही नाम आता है। तो आप देखिए आगे ये जो रास्ते हैं काफ़ी खूबसूरत हैं और दोनों तरफ घने जंगल हैं। बहुत ज़्यादा घने तो नहीं है लेकिन फिर भी जंगल अच्छे खासे हैं। झारखंड का मतलब होता है झाड़, यानी कि झाड़, झारखंड यानी कि झार मतलब होता है पेड़, पेड़ का खंड यानी कि झारखंड। झारखंड के बने हुए 20 साल पेड़ पौधे से बड़ा हुआ। तो ये जो रास्ते हैं पहले ऐसा नहीं था, ये लगभग रास्ते तो अभी 10-12 साल पहले यहाँ पर बने हैं ऐसे, लेकिन पहले जो कच्चा और काफ़ी पथरीला टाइप का रास्ता था, मतलब सालों से दशकों से उसकी मरम्मत नहीं हुई थी। लेकिन अभी और रास्ता काफ़ी बन चुका है क्योंकि झारखंड टूरिज्म ने थोड़ा सा ध्यान दिया है इस पर, और 5 किलोमीटर बचा हुआ है, 5 किलोमीटर दोनों तरफ जंगल है, दोनों तरफ जंगल है। और अब जंगल नहीं देखेगा। शुरुआत में एक छोटा सा मार्केट यहाँ पर हमें देखने को मिला था, जो बेसिकली एक सब्जी मार्केट है, जो गाँव में इस तरह का मार्केट लगता है, जो गुदड़ी मार्केट भी कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप दसम फॉल अगर आना चाहते हैं किसी दूसरे सिटी से, तो आपको अपनी कार से या अपनी कार कोई रिजर्व कार से ही आप आ सकते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इधर कुछ है नहीं। और बिना रिजर्व किए हुए, बिना अपनी गाड़ी के आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली कोई फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये दसम फॉल का पार्किंग है, यहाँ पर शायद कुछ चार्ज हमसे लिया जाएगा। कहाँ रखना है, दसम फॉल हम आ गए और वहाँ जो है 30 रुपये की है पार्किंग की पर्ची में देनी पड़ी। तो ये पार्किंग है, यहाँ पर हम पार्क कर सकते हैं। ये दसम फॉल पे हम आ चुके हैं और देखते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का। तो ये दसम फॉल का इलाका है, अब दिन के बज रहे हैं लगभग 3, लेकिन क्या करना है, अब खाना खाएं या फिर नीचे जाएं? नीचे तो जाएंगे नहीं, पहले खाना खा लेते हैं। 3 काफ़ी ज़्यादा, 3 बज चुकी है। देखिए यहाँ पर जो है विभिन्न पर्यटक स्थल कौन सा कितनी दूरी पे है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये दसम फॉल के नीचे हम लोग उतरने वाले हैं, तो कोई जगह हमें मिल नहीं रहा है। खाना तो हमने ले लिया है, काफ़ी लोग यहाँ पर खाना जो है यहीं पर बना के खा भी रहे हैं। वाव, ये दूर से वाटरफॉल जो दिख रही काफ़ी ज़्यादा है, फ्लो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, पानी का फ्लो काफ़ी अच्छा खासा है। पानी का फ्लो बहुत अच्छा है, पहले नहीं था उतना अच्छा। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर लंच, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुकी है। तो यहाँ पर जो दिख रहा सामने में आपको सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से जाएंगे और नीचे तो काफ़ी अच्छा सीन है, बाद में हम नीचे भी जाएंगे। पहले मैं कह रहा था कि मैं नीचे नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि सीन काफ़ी अच्छी और पानी का फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा है तो हम नीचे भी जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लंच करेंगे। तो यहाँ पर बैठने के लिए हमें मिल गया है जुगाड़, तो यहाँ पर हम बैठकर खा पी सकते हैं।
व्यू पॉइंट है। और यहाँ पर जो आप गेट अभी देख रहे हैं वो गेट अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि पहले यहाँ से नीचे जाते थे तो लोग काफ़ी दुर्घटना का शिकार हो जाते थे, तो अभी गेट को बंद कर दिया गया है। और सुबह ये 8:30 से शाम से 4 बजे तक ही यहाँ पर एंट्री है, तो अभी हम नीचे नहीं जा सकते, हमें यहीं से देखना होगा। दोस्तों लंच भी हमने कर लिया और नीचे भी हम अभी गए थे, लेकिन नीचे गेट बंद था इसलिए पूरा बिल्कुल पानी के करीब हम जा नहीं पाए। और यहाँ पर जो हमारा जो बेटा है वो थोड़ा जिद कर रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ है जहाँ पर बच्चों को खेलने की जो है यहाँ पर सुविधा है, तो यहाँ पर थोड़ा देर हम लोग रुक जाते हैं, फिर चलेंगे यहाँ से और आधे घंटे के बाद हम चलेंगे यहाँ से रांची की तरफ। और आज रात का स्टे हमारा रांची में होगा, तो आज का जो वीडियो है यहीं पर हम ख़त्म करते हैं दसम फॉल के साथ। और अगले वीडियो में हम जो है रांची की तो नहीं लेकिन झारखंड की एक और नई जगह की जर्नी के बारे में हम आपको दिखाएंगे। तो तब तक गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।